हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि कोई सा भी अगर सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट स्पीच में है तो जब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके क्या रूल रहेंगे और क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जिस व्यक्ति ने जैसा बोला है उसको ठीक वैसे ही इन्वर्टेड कॉमास में कोट करना, वो हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच। वहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जहाँ पे हम सेम एज इट इज कोट नहीं करते हैं, लेकिन बिना स्टेटमेंट बदले, बिना मीनिंग बदले उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं या कहते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर हमारा कोई सा भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पे हमारा पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा? ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई एम अनवेल। अब यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्ट कोट किया है। ठीक है, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। क्लियर? और ये हमारा कौन सी फॉर्म में है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में है। रूल क्या बोलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया? ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। अब जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा दैट, आई की जगह आ जाएगा ही। ठीक है, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है तो ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हम लगाएंगे। अब क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? ही वॉज अनवेल, उसने कहा कि वह बीमार था। That's all. Thank you.